नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे इमोशनल ब्लैकमेल के बारे में। आखिर ये इमोशनल ब्लैकमेल होता क्या है, यानी कि आपके पास एक व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए मैसेज आएगा। जब आप उस मैसेज को देखोगे तो आपके किसी परिचित, आपके किसी दोस्त का वहां पर फोटो लगा रहेगा और उसके बाद आपसे मदद के नाम पर या फिर आपको कोई ऐसा एक्सीडेंट बताकर आपसे पैसे मांगे जाएंगे मदद के रूप में। और जब आप उन लोगों के अकाउंट में पैसे जमा करा देंगे उसके बाद आपको इस पूरे स्कैम की पुष्टि होगी कि आपके साथ एक ठगी हुई है, एक फ्रॉड हुआ है। यानी कि आपको इमोशनली करके ब्लैकमेल कैसे किया जा रहा है, वो जो कारण है, इसका जो रीजन है, आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे इमोशनल ब्लैकमेल आखिर कैसे होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। बेसिकली दोस्तों, आपने ऐसा तो बहुत सुना है कि हमारे किसी परिचित के द्वारा हमारे फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज मिला और वो हमें पैसे की डिमांड कर रहा है, बोल रहा है कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर हम हॉस्पिटल में हैं, हम बीमार हैं, हमारे पास कोई है नहीं, आप हमें 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, 50,000 रुपये की मदद कीजिए, हम आपको जैसे ही यहाँ से सही होंगे या फिर यहाँ से हम घर पहुँचेंगे आपके रिफंड हम करा देंगे, यानी कि रिटर्न आपके ट्रांसफ़र करा देंगे। आखिर ये स्कैम कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा और आपको आखिर लास्ट में बताऊंगा कि आपके साथ अगर ये चीज़ें हो रही है तो उसकी आपको कैसे पुष्टि करनी है कि ये सही है या फिर फेक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि फेसबुक के तरीके से किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप के तरीके से आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है और एक चीज इसमें एक स्टोरी भी बताऊंगा कि एक व्यक्ति के साथ किस तरीके से 20 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। तो मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर चलता हूं उस व्यक्ति की घटना को लेकर जिसके साथ ये स्कैम हुआ और ये वीडियो हमें बनाना पड़ा। दोस्तों, एक व्यक्ति की घटना है ये, जो एक उनका मित्र है, वो मित्र फॉरेन कंट्री में रह रहा है काफी लंबे टाइम से और उनके पास एक दिन आक्षमिन में व्हाट्सएप से एक मैसेज आया क्योंकि उनका जो मोबाइल नंबर था, जो उनके मोबाइल में ऐड था, उससे ना के दूसरे मोबाइल से ये मैसेज आया था। उस मोबाइल में जब उन्होंने खोल के देखा तो उस पर एक DP लगी हुई थी और वो DP उन्हीं के उस फ्रेंड की थी जो विदेश में रहता है और उन्होंने कहा कि हेलो, क्या कर रहे हो, क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में परिचित थे। कैसे परिचित थे वो भी मैं बता देता हूँ कि सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर आप जब अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका उम्र जो भी है, आपकी रेजिडेंस की बात करें, ये सारी चीज़ें आप लगभग मेंशन करते हैं। तो ऐसे में उसके पास जो फॉरेन से फ़ोन आया या मैसेज आया उसमें लिखा कि हेलो मुकेश, क्या हाल है। तो उन्होंने कहा यार ठीक हूँ। तो बोला यार कैसे हो। बोल बढ़िया हूँ। तो ये सारी चीजें उन्होंने आपस में चैटिंग के जरिए की और करते करते उन्हें कहा कि यार काफी दिन हो गए, तुम तो बात ही नहीं करते हो। तो जो जिस विक्टिम के पास ये चीजें हो रही थी, जिस विक्टिम के पास मैसेज आ रहा था, तो उसने सोचा कि फॉरेन में रहता है, हो सकता है कोई नंबर चेंज कर लिया होगा, क्योंकि नंबर चेंज करना आजकल आम बात है। तो इसलिए उसने उसका रिप्लाई देते रहे और आक्षमीन में उन्होंने ये बात उनके सामने रख दी कि यार मुकेश, मैं बहुत परेशान हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, परिवार के सदस्य नहीं है और मुझे यहाँ पर बिल चुकाना है, तो इसलिए आप मुझे 20,000 रुपये अगर ट्रांसफ़र कर देते हो तो मैं इनका बिल चुका दूँ और मैं जैसे ही शाम को घर लौटूंगा मैं आपको रिफंड करा दूंगा। मुकेश ने वो सारी चीज़ें देखी ही नहीं, क्योंकि मुकेश को तो लग रहा था कि उसका एक रियल जो फ्रेंड है, जो काफ़ी दिन से फॉरेन में रह रहा है, वही है। तो इसलिए मुकेश ने उसके द्वारा दिए हुए अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसके 2-3 घंटे बाद उनका फिर फ़ोन आता है कि यार कुछ पैसा और देना पड़ेगा, तो इसलिए आप है ना 15,000-20,000 रुपये और दे दीजिए। तो उन्होंने उसी अकाउंट पे 20,000 रुपये और ट्रांसफर कर दिया। अब शाम हो गई, शाम होने के बाद मुकेश ने देखा हो सकता है वो घर पहुंचेगा, मेरे को मैसेज कर देगा या फिर पैसे डाल देगा। लेकिन रात को लगभग 9-10 बजे उनके पास पुनः एक बार फोन आया कि यार मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं और मुझे अभी 20,000 रुपये की और जरूरत है, इस अकाउंट में 20,000 रुपये आप और डाल दीजिए। तो उसके समझ में आया कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। उसने फिर जो उनके मोबाइल में जो रियल नंबर थे उनके ऊपर मैसेज किया तो उसका रिप्लाई आया कि मैंने आपसे कोई भी पैसे की डिमांड की ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल नंबर किसका है। तो वो बोले मुझे मैं तो इस नंबर को जानता ही नहीं हूँ, मेरे को नॉलेज में नहीं है।
तब जाके आभास हुआ कि उनके साथ जो हो रहा था वो एक ठगी हो रहा था और ऐसे में 50-60 हजार रुपए का उनके साथ फ्रॉड हो भी चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये पूरा स्कैम कैसे किया जाता है फेसबुक के जरिए और कैसे किया जाता है व्हाट्सएप के जरिए। फेसबुक पर कैसे किया जाता है पहले उसकी बात करते हैं। तो फेसबुक पर आपका जो कोई फ्रेंड है या परिचित है जो आपके फेसबुक में ऐड है उस आदमी के सेम नाम से एक फेसबुक की नई प्रोफाइल बनाई जाती है। उस पर जो फोटो उस फेसबुक आईडी पर जो फोटो लगा है उसी को उसकी प्रोफाइल बनाया जाता है और वो सारे फ्रेंड्स जो आपके हैं जिसमें आपको टारगेट किया जा रहा है वो आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड है उन्हीं लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर उनको एक फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया जाता है। अब वो देखने में दोनों प्रोफाइल एक जैसी होती है, जो रियल प्रोफाइल है वो भी और जो फर्जी प्रोफाइल है वो भी। अब आपकी नॉलेज में जो रियल प्रोफाइल है जो आपने देख रखी है जिसे आप मैसेज करते हैं वो आपके नॉलेज में कंफर्म रहता है, इसलिए वैसी की वैसी हूबहू एक प्रोफाइल तैयार की जाती है और उस प्रोफाइल से आपको मैसेज किया जाता है मैसेंजर के जरिए कि आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मुझे जरूरत है, मेरा परिवार में कोई सदस्य बीमार है, मैं बीमार हूं या मेरा आक्षमिन में कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो एक अर्जेंट घटना के ऊपर डिपेंड करता, अर्जेंट घटना बनाकर आपको बताया जाता है। और ऐसे में आप देखते हैं कि यार हो सकता है इनका एक्सीडेंट हो गया है तो इन्हें उक्त वक्त यानी कि उक्त समय इन्हें पैसे की जरूरत है तो इसलिए कोई बात नहीं 5-7 हजार रुपए मांग रहे हैं दे देते हैं शाम तक रिफंड करा देगा। लेकिन जब 5-7 हजार रुपया देने के बाद आपके पास कोई भी पैसा रिफंड नहीं आता है तब आपको जानकारी होती है कि वो उसी तरीके से दिखने वाली एक फर्जी प्रोफाइल थी या फिर फर्जी फेसबुक या इंस्टाग्राम का अकाउंट था जो कि जिस व्यक्ति के नाम पर आपने मदद की है, जिस व्यक्ति के नाम पर आपने पैसा दिया उसने कभी बनाया ही नहीं था। ये बातें बाद में जाकर पता लगती है। तो दोस्तों इस तरीके से फेसबुक से फ्रॉड किया जा रहा है। और अगर बात करूं कि व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर आपका कोई भी प्रोफाइल पढ़कर आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कोई परिचित व्यक्ति है और इस तरीके से आपसे एक अकाउंट नंबर देकर पैसा ट्रांसफर करा लिया जाता है। ये रही इस पूरे स्कैम की कि स्कैम होता कैसे और अब बात करते हैं कि इस स्कैम में आपको बचना कैसे। आप जिंदगी में ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपका कोई भी फ्रेंड हो, आपका कोई परिचित हो, आपका कोई मिलने वाला हो, चाहे वो इंसेंटली किसी भी तरीके के डिस्प्यूटेड में फंसा हो, कोई एक्सीडेंटल कोई केस हो, हॉस्पिटल का कोई केस हो, ऐसे में अगर आपके व्हाट्सएप पर या फिर आपके किसी फेसबुक मैसेंजर पर या फिर कोई भी मैसेंजर पर मैसेज आ रहा है, पैसे आपसे वो मदद के रूप में मांग रहा है, रिफंड करने की भी बात कर रहा है, तो आप सबसे पहले उक्त व्यक्ति के पास डायरेक्टली कॉल करके ये कन्फर्म करें कि वो व्यक्ति को वास्तव में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। दूसरी बात, किसी भी मैसेज का आप रिप्लाई देने से पहले ये समझें कि उस व्यक्ति के द्वारा जो अकाउंट नंबर दिया गया है वो उसी व्यक्ति के नाम से दर्ज है या फिर नहीं है। ऐसा होता है कि जब वो अकाउंट नंबर देते हैं तो उसमें कुछ नाम अलग होता है, वो अकाउंट ही कहीं और का होता है, आप सोचते हैं कि इसने अकाउंट दिया है तो इसमें ट्रांसफर कर दें। ये चीज समझने की है कि उस व्यक्ति से पहले पुष्टि करें कि ये अकाउंट उसका है भी या नहीं। तो ये सारी चीजें देखकर या फिर इन सारी चीजों को समझकर आप इस पूरे स्कैम से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके की कोई स्कैम में फंसे हैं तो ऐसे लोगों को पैसे ना दें और अगर आपका कोई फ्रेंड कभी भी आपको भविष्य में ऐसी मदद के लिए बोलता है तो सबसे पहले आप उसे कॉल करें, कॉल पे बात करें, उसकी पूरी पुष्टि करें या फिर आपके फ्रेंड के रिलेटेड, आपके परिजन के रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन उस मैसेज में करें जिसका उनके पास जवाब ना हो। यानी कि अगर आपका रियल कोई परिचित व्यक्ति होगा तो वो आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके बारे में सब कुछ जानता होगा, तो ऐसे कोई क्वेश्चन उनके सामने रख दें ताकि वो उसका जवाब दे और ये पुष्टि हो जाए कि ये आदमी बिल्कुल सही। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति ऐसी कोई परेशानी में है और वो व्यक्ति आपको अगर मैसेज के जरिए पैसे की मांग कर रहा है तो ऐसी जगह वो आपको डायरेक्ट कॉल भी कर सकता था। तो ये जो क्रिमिनल है ये इस तरीके से आप लोगों को टारगेट करते हैं, उसे इमोशनल ब्लैकमेल कहा जाता है। यानी कि आपको इमोशनल किया जाता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे पैसे की ठगी की जाती है। तो इस तरीके के फ्रॉड आजकल बहुत चल रहे हैं, आप लोग अवेयर रहें, सावधान रहें। दोस्तों अगर आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, दोस्तों इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।